नमस्कार, बहु एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश पटेल। इस समय उधमपुर की हाउसिंग कॉलोनी जेके बैंक ब्रांच में हम मौजूद हैं। ये आप तमाम बैंक के दृश्य इस समय लाइव बहु एक्सप्रेस के माध्यम से देख रहे हैं और कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि हाउसिंग कॉलोनी जेके बैंक की ब्रांच में 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक को जो है वो बंद कर दिया गया है। और ये तमाम तस्वीरें आप बहु एक्सेस के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की ये हाउसिंग कॉलोनी ब्रांच है और ये तस्वीरें आप लगातार बहु एक्सेस के माध्यम से आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार उधमपुर की अगर बात करें तो उधमपुर में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बैंक के बाहर ब्रांच क्लोज फॉर टुडे बिकॉज ऑफ कोरोना पॉजिटिव केस। बैंक के बाहर ये एक स्टिकर लगा दिया गया है कि बैंक में कोविड मामले जो हैं वो आ गए हैं, उसके जिसकी वजह से हाउसिंग कॉलोनी ब्रांच जो जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच है उसे आज के दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप लगातार बहु एक्सेस के माध्यम से देख रहे हैं और ये उधमपुर हाउसिंग कॉलोनी बैंक की ब्रांच है और तस्वीरें आप लगातार ये देख रहे हैं। और कोविड के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उधमपुर ज़िले की बात करें तो उधमपुर ज़िले में काफ़ी मामले जो हैं कोविड के बढ़े हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो हमें घर में रहने की ज़रूरत है। और लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैंक के मैनेजर यहाँ पे खुद मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सर अपना नाम बताने और ये बताएं कि कितने मामले बैंक में आए हैं और क्या क्या। मैं अनिल पापा, ब्रांच मैनेजर हाउसिंग कॉलोनी ब्रांच उधमपुर जेके बैंक का। तो हमारे जो 3 दिन पहले जो आरटीपीसीआर टेस्ट हुए थे उसमें एक बंदा पॉजिटिव आया था स्टाफ मेंबर, तो उसके बाद जो हमारे सभी स्टाफ के इमीडिएटली टेस्ट करवा गए थे, आरटीपीसीआर भी और दूसरे भी। तो आज जब हम बैंक खोला तो हमारे जो रिपोर्ट आई है 6 केसेस पॉजिटिव आए हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट में। तो उसके बाद हमने इमीडिएटली अपने जोनल ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया और नोडल ऑफिसर मेडिकल डिपार्टमेंट और डीसी ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दिया। तो उन्होंने बोला है कि जब तक आप आज का दिन इसको प्रॉपर बंद किया जाए ब्रांच को, और ताकि आगे और ना केस बढ़ जाए, तो प्रॉपर कल सैनिटाइजेशन के बाद भी ब्रांच में अगर फर्दर स्टेप लिया जाए। और हम ये लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, जो ये ब्रांच है जो मेन चौक पर पड़ती है और जहाँ पे काफ़ी हैवी रश रहता है, और लोग भी अपील करते हैं जो भी कस्टमर ब्रांच में आए जिसको बड़ा जरूरी काम है वही बैंक में आए। अगर बिना बैंक में आने से एटीएम में काम चल रहा है उनका, तो एटीएम में जाएं ताकि बाकी के लोग भी सुरक्षित रहें। हमने कल भी देखा है डीसी मैडम खुद पेन ले रही हैं इस वेव को रोकने के लिए, और उन्होंने जगह जगह नाके भी लगवाए थे और वीकली लॉकडाउन की भी अपील की है। और खुद मैडम ने बड़ा जोरों से लोगों को अपील करी है बिना मतलब के नहीं निकला जाए तो। और हम बैंक की तरफ से भी अपील करते हैं सभी कस्टमर को कि जिनको बहुत जरूरी काम है वही बैंक में आए, ताकि बैंक का स्टाफ सुरक्षित रहेगा तो हमारा काम चलेगा, नहीं तो हमारे बिजनेस भी इफेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा बिजनेस इफेक्ट हो तो देश की इकानमी को फर्क पड़ता है। इसलिए हम कोविड की थर्ड अपील वेव को रोकने के लिए सभी को अपील करते हैं, और मैं अपनी तरफ से भी अपील करता हूं और अपने स्टाफ की तरफ से भी कि जो भी आए वो बिना मास्क के बैंक में प्रवेश ना करें और कम से कम 6 फुट की दूरी पर आकर ही बैंक में प्रवेश करें। धन्यवाद। ये थे बैंक मैनेजर अनिल पावा जी, और इन्होंने जानकारी दी है कि बैंक में जो है 6 मामले हाउसिंग कॉलोनी में आए हैं, जिसके चलते जो है आज हाउसिंग कॉलोनी ब्रांच को बंद कर दिया गया है। और लोगों से भी ये अपील की गई है कि सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। और खुद अनिल पावा जी ने भी लोगों से ये अपील की है कि बैंक का साथ दें और ज़्यादा बैंक में भीड़ ना करें, और यदि आपको ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें और बैंक में भी आएँ, अदरवाइज़ आप बैंक जहाँ शहर की तरफ रुख करना बंद कर दें, जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश फड़ियाल, बाहु एक्सेस न्यूज़, उधमपुर।